हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो आपने फार्माकोपिया का नाम जरूर सुना होगा। फार्माकोपिया जैसे यूएसपी, आईपी और बीपी, ठीक है, अधिकतर वैसे जेपी भी यूज होती है, बट अधिकतर यूएसपी और आईपी बीपी यूज होती है। इसमें ये चीज़ें हमेशा कन्फ्यूजन से रहती है कि इसकी जो स्पेलिंग रहती है, कहीं आपने किसी किसी डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि फार्माकोपिया की जो स्पेलिंग होती है हो रहती है आपकी PHARMACOPOEIA, ठीक है। और कहीं पे आपने देखा होगा या आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन होगा PHARMACOPEIA, ठीक है। तो इसमें से, इन दोनों में से स्पेलिंग कौन सी सही है, कौन सी गलत है? तो सबसे पहले मैं अगर आईपी की बात करता हूँ, अगर आपका जो प्रोडक्ट है जिसकी टेस्टिंग एज पर आईपी या बीपी के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, टेस्टिंग जिसके रेफर हो रखी है आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग, उस केस में जो स्पेलिंग है वो PHARMACOPOEIA है। और जिस केस में आपका प्रोडक्ट यूएसपी है, यूएसपी से प्रोडक्ट बनाती है, या फिर जो आपकी फार्माकोपिया है वहाँ पर रेफरेंस जो देते हैं वो आप फार्माकोपिया यूएसपी को देते हैं, तो उस केस में जो स्पेलिंग हो जाएगी PHARMACOPEIA, इसका मतलब है कि जो दोनों स्पेलिंग आप लिखते हो, ठीक है, वो दोनों के दोनों करेक्ट है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अगर आप एज पर आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट रेफर करते हो या डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उस केस में लास्ट में COPOEIA हो जाता है, और जो यूएसपी के अकॉर्डिंग हो जाता है होता है COPEIA। ओके दोस्तों, थैंक यू।